Hey guys, welcome back to the channel. आप देख रहे हैं व्लॉगर मेडिकल, मैं हूं विवेक, सेकंड MBBS स्टूडेंट एट TNMC मुंबई। मैं आपके लिए लेकर आया हूं महाराष्ट्र के सारे MBBS कॉलेजेस के कट ऑफ्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला मेडिकल कॉलेज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा ग्रैंड मेडिकल कॉलेज यानी JJ मुंबई। ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1845 में, मतलब बहुत ही पुराना कॉलेज है। तो इंडिया में बहुत सारे लोग इसको पहले से जानते हैं। मुंबई में अगर कोई मेडिकल कॉलेज जानता हो या आर्ट्स कॉलेज जानता हो तो वो होता है JJ। और ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो ये है हमारे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग। चलिए आगे देखते हैं, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे हॉस्टल्स। ये कुछ एनिमेशंस डाल दिया मैंने बीच में। ये है हॉस्टल अवेलेबिलिटी जो मैंने ऑफिशियल साइट से लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अपना बॉयज़ हॉस्टल है, एक RM भट्ट बॉयज़ हॉस्टल है और बाकी दो गर्ल्स हॉस्टल भी हैं। और सारे हॉस्टल्स कैंपस के अंदर ही है। कैंपस बहुत बड़ा है, शायद मुंबई का सबसे बड़ा कैंपस JJ के पास ही है। JJ एक ऐसा कॉलेज है मुंबई में जो BMC नहीं रन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और बाकी जो मुंबई के कॉलेजेस हैं जिनको हम गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं उनको BMC रन करता है। BMC यानी बॉम्बे म्यूनिसिपल काउंसिल, मुंबई का अपना गवर्नमेंट। तो हॉस्टल तो आपने देख लिए, कुछ देर आप रुक के देख सकते हैं कि कितने रूम्स हैं, कितनी अवेलेबिलिटी है, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड नेक्स्ट फैक्टर जो हम देखेंगे वो है हमारा कैंटीन। तो कैंपस में टोटल दो या तीन कैंटीन है। ये जो फोटो आप देख रहे हो सामने ये है हमारा कॉमन कैंटीन, मतलब ये डॉक्टर्स के लिए भी होता है, बाहर के लोगों के लिए भी होता है। और दूसरी जो दो कैंटीन है वो है डॉक्टर्स कैंटीन, मोस्टली स्टूडेंट्स वहीं पर खाना खाते हैं। अच्छा खाना मिलता है और काफ़ी रिजनेबल रेट में मिलता है, मैंने खुद टेस्ट किया तो मुझे पता है अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे। एंड कैंटीन्स होने के बाद मतलब अभी कैंपस के आजू बाजू में बहुत अच्छा एरिया है तो आपको खाने पीने की दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आने वाली। और वैसे भी मुंबई है, अगर ये आपका पसंद नहीं आया तो कहीं और चले जाओ, बहुत सारी जगह है खाने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर जो हम देखेंगे वो है हमारा फी स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बता दूँ ओपन कैटेगरी की फीस यहाँ पे जो टोटल लिखी है वो है 1,17,260, लेकिन पिछले साल से फीस बढ़ गई है, 20,000 से फीस बढ़ी है। तो फीस टोटल होगी 1,39,000 और रिजर्व कैटेगरी के लिए फीस होती है 13,360 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 14,000। तो रिजर्व कैटेगरी में कौन से कैटेगरीज आती है, इसमें आती है OBC, ND, VJNT, फिर SC, ST, मतलब OBC के नीचे जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी रिजर्व कैटेगरीज में आएंगी। मुझे पहले बहुत डाउट होता था कि कौन सी फीस भरनी पड़ेगी, रिजर्व कैटेगरी में कौन सी कैटेगरीज आती है। फिर अभी EWS के लिए देखते हैं। EWS के लिए आपको आधी फीस भरनी पड़ेगी, मतलब ओपन की भी नहीं, रिजर्व कैटेगरी भी नहीं, और आपको आधी फीस भरनी पड़ेगी अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अभी नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हम लोग देखेंगे वो है हमारा पिछले साल का कट ऑफ। तो कट ऑफ कितना था, यहाँ पे F का मतलब फर्स्ट है, L का मतलब लास्ट है। और ये ऊपर लिखी है सारी कैटेगरीज। ये जो पहला नंबर है ये है ऑल इंडिया रैंक, और ये जो नीचे का नंबर है ये है अपने नीट के मार्क्स आउट ऑफ 720। तो जैसे हम देख सकते हैं ओपन कैटेगरी का कितना था कट ऑफ, फर्स्ट कैंडिडेट एडमिट हुआ था 663 पे और 2,363 ऑल इंडिया रैंक था। 626 मार्क्स पे लास्ट कैंडिडेट एडमिट हुआ था और उसका ऑल इंडिया रैंक था 10,696। ऐसी और कैटेगरीज का आप कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी हाई कर लो क्योंकि ये भी स्क्रीनशॉट ही है और ये ऑफिशियल साइट से लिया हुआ डेटा है तो इसमें गलती होने के बिल्कुल चांसेस नहीं। तो अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ और डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट नहीं डालते हो, आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो अपने नाम के साथ, जो भी आप हो इंस्टाग्राम पे DM कर देना मुझे, तो मैं ट्राई करूँगा आपको वहाँ पे आपके डाउट पर्सनली सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे कंपैरिजन्स वीडियो बनाऊँ कॉलेजेस के तो प्लीज़ वो भी कमेंट में एक बार मेंशन कर देना, सो आई विल ट्राई बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून्ड।